लॉकडाउन के बीच लखीसराय से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मंगलवार की सुबह एक हलवाई का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना कबैया थाना क्षेत्र की है, जहां वार्ड नंबर 32 के रहने वाले दिलीप हलवाई का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर कबैया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने का इंतजार कर रही है। इधर मृतक के बेटे सुमित कुमार ने इस घटना को हत्या बताया है। बेटे की माने तो उसके पिता कल एक निमंत्रण में काम करने घर से पड़ोस के ही रहने वाले एक व्यक्ति के साथ निकले थे, फिर वापस नहीं आए। बेटे को शक है कि उनके पिता के साथ हलवाई का काम करने वाले लोगों ने ही इस हत्या की घटना को अंजाम दिया है। वहीं घटना के बाद मृतक हलवाई के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। सर कल काम करने गए थे पापा। क्या काम करते हैं? हलवाई का काम करते हैं। खाना बनाने के लिए कहीं गए थे मगर हमको पता नहीं था कहाँ गए थे। एक बद्री नाम का आदमी है जो कि पहाड़ी के पास रहता है, उन्हीं के साथ गए हुए थे और कल शाम 5 बजे ही आ गए थे काम करके। उसके बाद वो दोनों मिलके नहाए हमारा घर में, उसके बाद घर से बाहर निकले। हम घर में नहीं थे, घर में पूछने पर पता चला, ठीक है। उसके बाद शाम 5 बजे घर से गए, उसके बाद लौट के नहीं आए। जब डेली 8-9 बजे रात में आते थे घर पर, इसीलिए हम लोग ने उतना चिंता नहीं किया। जब 9 बजे रात तो पता लगाया हमने कि पिताजी कहाँ गए, तो बद्री अंकल को फोन किया गया कि वो कहाँ गया है। तो वो बोले कि घर न आए आपका पिताजी है, हम वो तो 7 बजे चले गए आपका घर। हम लोग परेशान हो गए, फिर खोजना चालू कर दिए। उनका कहना था कि हम, वो बोले कि तुम घर जाओ, हम जा रहे हैं पान खाने के लिए, ठीक है। उसके बाद से ही पिताजी नहीं आए। जब सुबह हुआ तो मालूम चला कि खेत में सब पड़ा हुआ है। किसी से कोई विवाद? नहीं सर, ऐसा तो कोई विवाद नहीं है। बस जहाँ जो जिससे काम, जिनके साथ वो काम किए हैं उनको बुला के सबसे पूछताछ किया जाए। क्या लगता है आपको? हमको तो पूरा मर्डर लगता है, ये मर्डर ही है, चाहे जो भी कारण बस हो। किसके ऊपर? मालूम नहीं है किसी के ऊपर कोई तरह का शक? नहीं सर, वैसा शक नहीं है, लेकिन जो भी व्यक्ति इनके साथ में काम करते हैं सबको बुला के जांच पड़ताल सही तरह किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ सुमित कुमार। पिताजी का? श्री दिलीप मंडल। घर? घर जमालपुर हुआ सर, यहाँ हम लोग किराया पे रहते हैं करीब करीब 20 साल से। कितने नंबर वार्ड में? 32 में सर।